हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता जी, राम राम, सीताराम। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस, माफ़ कीजिए क्योंकि कहीं दिनों से ब्लॉग भी नहीं शूट किया है, क्योंकि वीडियो बनाने का मूड ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे व्यूज़ भी नहीं आते तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था, तो थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। तो आज थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं। तो पहले तो आप सभी को आज है जन्माष्टमी, तो आज के जन्माष्टमी पर्व के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपके सारी मनोकामना श्री कृष्ण सारी मनोकामना पूरी करें आपकी। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं जो हमारे खेत से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर जो नदी है उसमें पानी आया है, जो गुजरात का जो सबसे बड़ा नर्मदा डैम है, तो वहाँ से अंडरग्राउंड लाइन के द्वारा जो पानी आता है तो वो देखने के लिए आए। तो पीछे देख सकते हैं पानी आ रहा है नदी में। और गाइस, हमारे इस इलाके में इस साल बारिश बहुत ही कम हो रही है, क्योंकि बारिश ही थोड़ी थोड़ी ही आती है, ज़्यादा बारिश नहीं आती है, तो इसलिए हमारे यहाँ नदियों में पानी भी नहीं आया है। ये फर्स्ट टाइम में ये पानी आए, वो भी नर्मदा डैम का। तो मैं और मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई और तीनों भांजे सब आए हैं पानी देखने के लिए। चलो बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम नीचे आ गए, तो ऊपर है रास्ता, तो यहाँ नीचे आ गए देखने के लिए। हेलो गाइस, नहाने के लिए आ जाए हमारे पानी जो इस तरह बाहर आया है। तीनों भांजे भी है, देख सकते हैं वहाँ से पानी निकल रहा है। तो पानी निकलने का गेट है उस तरफ, अंडरग्राउंड लाइन रखी हुई है, तो वहाँ से पानी निकल रहा है। तो देख सकते हैं आप, तो देखिए इतना सारा पानी भरा। वैसे आज भी तो कम हो गया है, वो 4 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा पानी जा रहा था, ठीक यहाँ तक पानी जा रहा था, पर अभी वहाँ तक पहुँच गया है। चलो गाइस, वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। यहाँ से पानी निकल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है। तो वहाँ पर जो पानी निकलने का जो वाल है, तो वहाँ से खुलता है, तो वहाँ से पानी निकल जाता है, वो है एयर वाल। और उस तरफ भी एक पानी निकलने का वाल है, उसमें तो अभी पानी बन रहा है और इसमें से ही निकल रहा है, देख सकते हैं पानी जा रहा है इस तरफ।